गरियाबंद में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग के देवभोग डिवीजन ने सिंचाई के लिए 3 महीने पहले धूमरा पदर जलाशय का गेट खोला था, लेकिन उससे अब तक बंद नहीं किया गया है। अभी तक जलाशय से लगातार पानी बह रहा है। विभाग की इस लापरवाही से 5 गांव के दर्जनों किसानों की पकी हुई फसल पानी में डूब गई है। किसानों की लगातार मांग के बाद भी विभाग गेट बंद करने को तैयार नहीं। विभाग की इस लापरवाही से एक और जहां किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की बर्बादी भी हो रही है। गेट है उसकी भी शिकायत किया हम, और कोई आज तक के अधिकारी लोग ध्यान नहीं दिए हैं। हमेशा हमको उससे परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। जितने भी अधिकारी हैं नया काम ढूंढते हैं, ठेकेदारी करते हैं, इनको तो फुर्सत नहीं है, पुराना काम देखते नहीं। आज की स्थिति में वहाँ पर गेट बंद नहीं हो रहा है, पानी किसानों को पूरा खेती में चला गया, धान नहीं काट पा रहा है, पूरा सड़ रहा है।